समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। गरौठे तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम एवनी में जहां पर लोगों द्वारा बताया गया कि यहां पर यह बाजार लगभग 80 सालों से लगती आ रही है, परंतु 5 से 6 साल से कुछ दबंग लोगों द्वारा हाट बाजार की जगह पर अतिक्रमण कर अपने अपने मकान बना लिए गए। ग्राम के लोगों द्वारा कई बार इसकी शिकायत की गई, परंतु उन दबंग व्यक्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जब ग्राम के लोगों ने यह बात जिले के जिलाधिकारी को ज्ञापन के जरिए अपनी शिकायत सुनाई, तब अधिकारियों द्वारा थोड़ा बहुत दबंग लोगों का अतिक्रमण तोड़कर दिखाया गया, परंतु पूरा अतिक्रमण अभी तक किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं खाली कराया गया है। ग्रामीण द्वारा इसकी शिकायत कई बार जन सुनवाई पोर्टल पर भी की गई है, परंतु वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीण बस इतना चाहते हैं कि उनके ग्राम में चलती आ रही ऐतिहासिक हाट बाजार के लिए पूर्ण जगह मिल जाए। जब हमने वहां के बाजार के लोगों से पूछताछ की तो लोगों द्वारा बताया गया कि वहां पर बाजार लगभग उनके पूर्वजों के समय से लगाया जा रहा है, परंतु अब उनके बैठने के लिए जगह नहीं बची है तो उन्हें मजबूरन हाट बाजार बंद करना पड़ सकता है। ग्रामीण केवल इतना चाहते हैं कि उनके ग्राम की पुरानी संस्कृति बची रहे और वहां पर हाट बाजार चलता रहे, क्योंकि ग्राम से शहर के बीच की दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है। यदि हाट बाजार बंद हो गया तो ग्रामीणों को सब्जी व सामान खरीदने के लिए बहुत परेशानी आएगी और ऐतिहासिक संस्कृति को भी बहुत हानि होगी। दीपक सिंह यादव की रिपोर्ट। कहाँ से आए हो? हम यूनी से आए। क्या मामला है ये? जो मकान था भी। अच्छा, मकान बना लिए हैं? हाँ। किसने बनाए है मकान? मकान था वो। बोलो। बुल्ली। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? यूनी से। क्या मामला है? मामला ये है कि हाट की जमीन का जो है लोगों ने कब्जा कर लिया, उसमें मकान चबूतरे लैटरिन वगैरह बना लिए हैं। आपने पहले इसकी शिकायत की है? इसकी शिकायत कई दे चुके हैं, 1 साल से बराबर शिकायत हमारी जो रमेश कुमार दीक्षित। आज किसको दी है आपने? आज तहसीलदार साहब को भी देने जा। उन्होंने क्या कहा? अभी देने जा रहे हैं साहब, अभी कोई कर रहा है।